वेलकम टू माय चैनल। अपने प्रेगनेंसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीक 28 से वीक 40 का जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी में, वो सबसे इवेंटफुल टाइम होता है। अब आपका बॉडी ग्रो कर गया होता है, बेबी भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से अब उसके पास बहुत कम स्पेस बच जाता है, तो जो वो मूवमेंट और किक अप करता है वो किसी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली पता चलता है। अब आपका बेबी आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है आपके टच से, आपके आवाज़ से। बेबी का लगभग पूरा डेवलपमेंट हो गया रहता है, सिर्फ लंग्स बर्थ तक मैच्योर और ग्रो होते ही रहते हैं। इस ट्राइमेस्टर में बेबी के बॉडी में फैट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करती हैं कि आप प्रोटीन जितना हो सके अपने डाइट में लीजिए। अब आपका जो अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर के साथ वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। डॉक्टर्स अब आपको 15 या 7 डेज में कॉल करना शुरू कर देती हैं। एक चीज़ और आपको डॉक्टर बताती हैं अपॉइंटमेंट्स में कि आपके बेबी का क्या पोजीशन है। अगर वो बता रही हैं कि हेड डाउन हो चुका है, तो आपका चांसेस नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइट एक्सरसाइजेज अगर आप कर रही हैं, जैसे कि लाइट वॉकिंग, तो बेबी का बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो शिफ्ट होके बर्थ कैनाल में आ जाए, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस रहता है। स्वेलिंग बहुत कॉमन है इस ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बॉडी का बहुत वेट बढ़ गया होता है, जिसका प्रेशर पूरा लेग्स में रहता है। तो अगर लेग स्वेल कर रहा है तो वो सिर्फ आपके बॉडी के वेट की वजह से, और वाटर रिटेंशन भी होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से भी। अगर आपको स्वेलिंग कहीं और भी नज़र आ रहा है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से इस चीज़ के लिए बात कर सकती हैं। अब डॉक्टर आपको बेबी के मूवमेंट पे ध्यान रखने के लिए बोलती हैं, तो बेटर होगा कि आप चार्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो फर्स्ट, आप बेबी का मूवमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगी? आपको सिर्फ लेट जाना है और अपने लेफ्ट करवट से, और काउंट करना शुरू करना है कि कितनी बार बेबी मूव कर रहा है या किक कर रहा है। बेबी मूवमेंट में बेबी हिकअप्स को काउंट नहीं करेंगे। इन केस अगर बेबी का मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, तो कुछ खा लेने से और एक ग्लास चिल्ड वाटर पी लेने से बेबी का मूवमेंट पता चलने लगता है। अगर फिर भी बेबी का मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, तो वो टाइम होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या हॉस्पिटल जाएं। सेकंड, आजकल कॉर्ड बैंकिंग होता है और बहुत सारे कपल्स जाते हैं कॉर्ड बैंकिंग के लिए, तो आप कॉर्ड बैंकिंग अगर करवाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी ले लें इस ट्राइमेस्टर में, और अपने आप को रजिस्टर कर दें, क्योंकि कॉर्ड बैंकिंग वाले स्टेम सेल्स को आके कलेक्ट करते हैं जिस दिन डिलीवरी होती है उसी दिन। सेकंड, पोस्टपार्टम पीरियड के लिए आप जो भी स्टफ्स आपके दिमाग में है कि मुझे ये ख़रीदना है या रेडी करके रखना है, तो अभी से उसको कर ले, क्योंकि एक बार जब डिलीवरी हो जाती है तो सिर्फ बच्चे की ही बातें रह जाती है और न्यू मॉम्स अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। फोर्थ, किस हॉस्पिटल में आपको अपनी डिलीवरी करवानी है ये पहले से डिसाइड कर ले और एक हॉस्पिटल सेलेक्ट करके रख लें। फिफ्थ, हॉस्पिटल के लिए पैकिंग अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत टाइम कम बच जाता है, ऐसा फीलिंग्स आने लगता है। सिक्स्थ, अगर मैटरनिटी शूट के लिए आप प्लानिंग की हुई हैं, तो आपके लिए बेस्ट है 7th-8th मंथ मैटरनिटी शूट के लिए, क्योंकि उस टाइम बेबी बम्प्स अच्छे से क्लियरली नज़र आने लगता है। सेवन्थ, अगर कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है लाइक ब्लीडिंग, वाटर डिस्चार्ज, ईचिंग बॉडी में, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या फिर हॉस्पिटल चले जाएं। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अगर आप कर रही हैं वो तो बेटर है ही, मगर अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, और थोड़ा बहुत रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो
से लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, बाय।